स्वागत है आप सभी का थुलुंग नशी में। आज हम जिस प्लांट में काम करने वाले हैं, प्लांट बड़ा अजीब सा है। ना तो ये कोई मिट्टी पसंद करता है और ना ही कोई खाद। मिट्टी से तो एक तरह से इसे एलर्जी है। अगर आपने इसे मिट्टी मिलाया तो ये प्लांट खत्म हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये आपको पहाड़ी इलाके में ज़्यादा मिलेगा और दूसरा ये पेड़ों के टहनियों में चिपका मिलेगा। इसमें फ्लावर भी अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के, और उसमें से खुशबू भी अच्छी आती है। और मैंने आपको बता रखा है कि मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ से कहते हैं सुनाकरी। ये ऑर्किड वैरायटी में ही आते हैं। और ये दो वैरायटी और है, एक तो ये है जिसमें येलो फ्लावर होते हैं और दूसरा ये है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। जैसे मेरे फॉक्स टेल की प्लांट में फ्लावर लगते हैं, जिसकी फोटो अपनी स्क्रीन में मैंने दे रखा है। और ये सब प्लांट मेरे भाई ने भिजवाए हैं दार्जिलिंग से, और उसका नाम है केशव छेत्री। वो भी एक प्लांट लवर ही है जैसे हम लोग हैं। अब देखते हैं इस प्लांट को जो हमारे बैग में था। तो ये है वो प्लांट, और मैंने सोचा है कि इस प्लांट को दो हिस्सों में काट के इसे 8 इंची पॉट में लगाऊंगा। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो और भी अच्छा लगेगा। ये रखे हैं मेरे पास 8 इंची के पॉट, तो मैं इसमें ही लगाऊंगा। तो पहले हम इसके ड्रेनेज होल में ही काम करते हैं। पहले ही इसके 2-3 होल खुले हुए हैं और बाकी के खोल ही देते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रॉड के टुकड़े की। फिर हम रॉड के टुकड़े से उसकी होल में हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो होल खुल जाएगा। ऐसा ही करके सारे होल खोल देते हैं। फिर हम छोटे छोटे पत्थरों से उसकी ड्रेनेज होल को अच्छी तरह बंद करेंगे, और मैं दूसरे पॉट की भी ड्रेनेज होल को ऐसे ही बंद कर देता हूँ। अब इसकी मीडिया बनाते हैं। तो मैं पहले लीव मोल्ड लेता हूँ। अगर मेरे पास सरी लकड़ी भी होती तो वो भी बढ़िया होता, उसे भी मैं लीव मोल्ड के साथ ही मिक्स कर देता हूँ। पर वो अभी नहीं है, इसलिए मैं लीव मोल्ड से ही काम चला लेता हूँ। और हम इस पॉट को लीव मोल से भरते हैं, और उस पॉट को आधा ही भरना है, पूरा नहीं। तो मैं इसे भर लेता हूँ, और मैं इसे दबा दबा के नहीं डालूँगा, इसे हल्के हाथों से ही डालना है, और इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसे वैसे ही डालना है जैसे आप लाए हो। तो ये प्लांट बड़ा है, 8 इंच के हिसाब से अच्छा ही होगा कि मैं इसके दूध से कर दूँ। और आपको रूट देख के पता चल गया होगा कि ये कैसा प्लांट है। अब करते हैं हम लगाने की तैयारी। पहले हम हल्का सा गड्ढा करेंगे, फिर उस प्लांट को लगा देंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि इसकी रूट जो है हल्की सी बाहर हो, और मैं सारे प्लांट को लगाता हूँ पॉट में। अब हो गया हमारा पॉट तैयार। अब करते हैं दूसरे पॉट की तैयारी। इस पॉट में तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा ही गुच्छा डाल दिया। उसके बाद जो जगह खाली थी उस जगह को भरने के लिए मैंने लीव मोल्ड का इस्तेमाल किया। अब वो 4 प्लांट रह गए, उसके लिए मैंने 7 इंच का पॉट दिया है, और इस पॉट के ड्रेन जोन में मैं ये नेट लगा दूंगा। फिर उसमें लीव मोल्ड डालता हूँ मैं। और मैंने चारों पॉट को ही भर दिया है, और हम इस पॉट में इस प्लांटों को लगा देते हैं। और हमने लगा दिया इन पॉटों में प्लांट, और मैं इस प्लांट को रखूँगा अपने शेड हाउस के अंदर जहाँ पे रोशनी आती है, ना कि उसमें धूप। डायरेक्ट धूप की रोशनी से इसे नुकसान पहुँच सकता है, और इस प्लांट को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। महीने में 1-2 बार दे दो, वो काफ़ी है। अब हम करेंगे बस इंतज़ार जनवरी फरवरी मार्च का, जिसमें अच्छी फ्लावरिंग करता है।
इस प्लांट की मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।